हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले गेहूं के आटे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी नाश्ते की रेसिपी। इसे आप शाम को चाय के साथ खाएं, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी। तो चलिए अब हम रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप लिया है गेहूँ का आटा, या नॉर्मल वाला आटा है जो हम घर में रोटियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमने आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाला है, थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, और अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा घी। अगर आप घी का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से हाथ से हम मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से मसलते मसलते हमने इसे मिला लिया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। इसका डो जो हम लगा करके तैयार करेंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं हमारा जो आटा लग करके तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम 10 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि अच्छी तरह से रेस्ट कर ले। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ एक पैन को गर्म कर लिया है। इसमें 2 चम्मच ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया हुआ है। आधा छोटा चम्मच राई डाल लेते हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ हरी मिर्च और 2 कटी हुई प्याज। तो प्याज से इस नाश्ते का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने इसे लंबे शेप में काटा है। इससे इसका जो स्वाद है ना, बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हमने यहाँ मीडियम पे रखा हुआ है, और इसे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन इसे हम नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसमें कुछ वेजिटेबल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम, कैरेट। और ये हमारे प्याज भी पक भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल लेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा चटपटा बन करके तैयार होगा। अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया है, और अब हम इसमें आलू डाल लेंगे। 2 आलू को हमने अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ था। बॉईल करने के बाद हमने इसका स्किन निकाल के इसे मैश कर लिया है। तो इसे आप ग्रेट ना करें, इसे हमें मैश करके यूज़ करना है, क्योंकि ग्रेट करने से उसका स्वाद जो है वो थोड़ा अलग ही आता है। तो इस तरह से हमने हाथ से इसे मैश किया हुआ है, और ये हमारा स्टफिंग भी तैयार हो चुका है। देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। और ये स्टफिंग है, इसमें हमने कोई मसाले का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे चटपटा बनाने के लिए आप चाहे तो इसमें नींबू का जूस यूज़ कर सकते हैं, या आमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल सकते हैं धनिया का पत्ता। मिक्स कर लेते हैं इन सबको। स्टफिंग हमारा तैयार हो चुका है। इसे अब हम निकाल के प्लेट में रख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और अब हमने जो डो को रेस्ट करने रखा था ना, उसे भी एक बार हम गूंथ लेते हैं। अच्छी तरह से इसे हमने चिकना कर लिया है, और अब हम इसमें से छोटी लोई तोड़ लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम छोटी सी लोई लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। और इससे अब हम जो आलू का स्टफिंग है ना, उसे हम इसमें भर देते हैं। ये देखिए, पहले इस तरह से हम इसे गोल गोल शेप दे देते हैं, इस तरह कटोरी की तरह। तो बीच में इसे बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं रखना है, और जितना स्टफिंग इसमें आएगा उतना हम इसमें डाल लेते हैं। करीब 2 चम्मच स्टफिंग हमने इसमें डाला हुआ है। 2 से 3 चम्मच ही स्टफिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं आएगा। और इस तरह से अब हम इसे बंद कर लेते हैं। तो अंगूठे की हेल्प से हमने स्टफिंग को दबाते रहना है, और दूसरे हाथ से इसे घुमाते जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से सील हो जा रहा है। जैसे हम आलू के पराठे में स्टफिंग डालते हैं ना, बस उसी तरह से इसे पैक करना है। ये देखिए कितनी आसानी से ये बन गया। अब हम इसे हाथ से चपटा कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा शेप ये तैयार हो चुका है। ये देखिए गेहूं के आटे से बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से ये एक और बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे चाहे तो डीप फ्राई कीजिए, या तो फिर स्टीम करके इसे हल्का सा फ्राई कीजिए। तो आपको जो भी पसंद हो उस तरीके को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने दूसरे नाश्ते को भी तैयार कर लेना है।
और इसी तरह से बाकी के भी नाश्ते हम तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे स्टीम करने के लिए आप स्टीमर में पानी भी बॉईल होने के लिए अभी रख दें, ताकि पानी भी गर्म होता रहे और ये नाश्ता भी हमारा तैयार इस तरह से होता रहे। तो इसी तरह से हमने बाकी भी नाश्ता तैयार कर लिया है, और यहाँ पे हमने प्लेट में ऑयल लगा करके इन नाश्ते को रख लिया है। तो आधा हम स्टीम करने वाले हैं और आधा जो है हम फ्राई करेंगे। तो इसे हम स्टीम करने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में हमने पानी को गर्म कर लिया अच्छी तरह से, और अब हम इन नाश्तों को इसमें रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। ढक करके इसे हम 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। और जो बाकी का नाश्ता हमारा है उसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हम मीडियम गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करेंगे ताकि ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो जब ये हल्का सा सिक जाएगा ना, तब इसे हम अलटते पलटते बिल्कुल अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारा नाश्ता बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के भी नाश्ते को हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही झटपट से ये बन करके तैयार हो रहा है। तो शाम की चाय के साथ आप इसे इंजॉय कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं, जो हमने स्टीम करने रखा था वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। तो अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम किया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं इसमें लगेगा। 2 से 3 चम्मच ऑयल हमने इसमें गरम किया हुआ है। और इन नाश्तों को हम हल्का फ्राई कर लेते हैं। बीच बीच में इसे हम पलट लेंगे। दोनों तरफ से जब ये अच्छी तरह से सिक जाएगा तो इसे अब हम सर्व कर लेंगे। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेंगे। और अब हम इसे तोड़ करके देखते हैं ये अंदर से कैसा लग रहा है। तो ये हमारा गेहूं के आटे से बनने वाला नाश्ता तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसमें स्टफिंग कितनी अच्छी तरह से है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यमी डिलीशियस तैयार हुआ है ये। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए इसे। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या कोई भी पसंद की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये गेहूं के आटे से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।